हेलो, आई एम ज्ञान प्रकाश एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे इज क्लास नंबर 29 एंड टुडे वी विल लर्न नाउन रिलेटेड सम कॉमन एरर्स। यानी आज है क्लास नंबर 29 और जो आज हम सीखने वाले हैं वो है नाउन रिलेटेड सम कॉमन एरर्स पार्ट नंबर डी या पार्ट नंबर 4। इससे पहले जो क्लास लगी थी हमारी उसमें हमने पार्ट नंबर थ्री, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर वन तीनों कर लिए थे, तो आज पार्ट नंबर 4 है और वही नाउन रिलेटेड सम कॉमन एरर्स का एक्सटेंशन है, इसी का विस्तार है। तो इस क्लास को हम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। तो आइए आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो ये है कि सम नाउन दैट हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी वे नाउन के बारे में हम आज पढ़ेंगे जो सिंगुलर यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों स्थितियों में सेम ही होते हैं, उनकी उनकी फॉर्म जो होती है वो सेम होती है। जैसे डियर एक हो या फिर बहुत सारे हों, हम उसको क्या कहेंगे? डियर ही कहेंगे। डियर का मतलब समझते हो ना, हिरण। फिश एक हो या बहुत सारी हों, हम क्या करेंगे? उसको फिश ही कहेंगे। शीप भेड़ है ना, शीप एक एक हो या बहुत सारी हों, दैट्स डजंट मैटर, ऑलवेज सेम होगा। स्पीसीज है ना, स्पीसीज का मतलब समझते हो, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। चाहे एक प्रजाति हो, चाहे दो प्रजाति हो, चाहे थ्री हो, चाहे फोर हो, चाहे कितनी भी हो, हम उसको क्या कहेंगे? स्पीसीज ही कहेंगे। इसी तरह सीरीज, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में सीरीज होती है, एक बहुत सारी सीरीज होती हैं, ठीक है। जैसे रणजी ट्रॉफी है तो ये सीरीज है पूरी की पूरी। सीरीज का मतलब होता है इसमें बहुत सारे टेस्ट मैच होते हैं। तो सीरीज चाहे एक हो चाहे दो हो, हम इसको श्रृंखला कहेंगे, सीरीज ही कहेंगे। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो है ये अपने आप में चाहे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो चाहे एक हो एयरक्राफ्ट, हम उनको क्या कहते हैं? एयरक्राफ्ट ही कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एयरक्राफ्ट को जब आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो इसका मतलब होता है कि अ प्लेन और व्हीकल दैट कैन फ्लाई। इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि ये अ प्लेन या फिर कोई वस्तु जो उड़ सकती है, कोई भी वस्तु जो उड़ सकती है उसको हम क्या बोल देते हैं? एयरक्राफ्ट बोल देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अ प्लेन और अदर व्हीकल दैट कैन फ्लाई, तो जो भी आसमान में उड़ सकता है उन सबको हम क्या बोल देते हैं? एयरक्राफ्ट बोल देते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एयरक्राफ्ट्स मत कर देना। एयरक्राफ्ट चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेशन, वैकेशन जो होता है ये अपने आप में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वैकेशन ही होता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतति। इसको डिक्शनरी में आप देखेंगे तो लिखा है समवंस चाइल्ड और चिल्ड्रन, यानी किसी के बच्चा या फिर बहुत सारे बच्चे, इनको हम क्या कह देते हैं? ऑफस्प्रिंग कह देते हैं। और मजाकिया अंदाज में कहते हैं इसको, ह्यूमर के लेवल पर यदि हम किसी चीज़ को कहें बच्चों को तो हम क्या बोलेंगे? समवंस चाइल्ड और चिल्ड्रन को क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता। चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों, हम क्या बोलेंगे? ऑफस्प्रिंग ही बोलेंगे। और ध्यान रखना कि ये जो मोस्टली यूज किया जाता है ह्यूमर में यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाइए इश्यू। इश्यू का मतलब होता है जो कि इश्यू का मतलब भी बच्चे होते हैं। इश्यू का मतलब भी क्या होता है? बच्चे होते हैं। ध्यान रखना इश्यू के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है मुद्दा और दूसरे होते हैं बच्चे। इश्यू के कितने मीनिंग्स होते हैं? दो होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है मुद्दे और दूसरा होता है बच्चे। तो जो मुद्दा होता है उसका तो सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है, उसका तो एक वचन बहुवचन बन सकता है, इश्यू का इश्यूज हो सकता है। लेकिन जब इसका अर्थ बच्चे हो जाता है तब इस स्थिति में इसका इश्यूज आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बात समझ में आ रही है? इश्यू जो है इसके दो मतलब होते हैं। आपने अभी तक मुद्दे के बारे में ही पढ़ा होगा, बच्चों का पता नहीं होगा आपको,
तो इसका मतलब बच्चे भी होता है। जब ये कंडीशन हो तब इस स्थिति में इश्यूज नहीं होता है, लेकिन जब मुद्दे हों तो आप इसका इश्यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्थितियां संभव है इसमें। लेकिन केवल बच्चे हों तब इस स्थिति में SEIS नहीं लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो बच्चे की बात चल रही है, मुद्दे हों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बच्चों की बात चल रही है तो यहाँ पर हम ES नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स जो होता है वो मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर नहीं होता। चाहे एक हो, चाहे बहुत सारे हों, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो, हम उसको क्या कहेंगे? हेडक्वार्टर्स ही कहेंगे, हेडक्वार्टर नहीं कहेंगे। ठीक है, कहने में बोलने में हम कह देते हैं, पर होता है हेडक्वार्टर्स ही है, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोबारा सुन लो, डियर, फिश, शीप, स्पीसीज। अच्छा, अब मैंने जहाँ तक ट्राई किया था कि डियर, फिश, शीप जो है, ये क्यों इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, ध्यान से समझ लेना। मैंने देखा कि जो डियर, फिश एंड शीप जो है, इनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा क्यों होता है। तो जवाब ये मिला कि ये जो है, चूँकि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है, ब्रिटिश लैंग्वेज है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसको ईटेबल मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको ईटेबल। ईटेबल का मतलब होता है इनको, इसको वो खाते हैं, ये डियर को खाते हैं, फिश को खाते हैं, शीप को खाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ को खाते हैं तो भोजन जो होता है वो किस में आता है? मटेरियल नाउन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको वो खाते हैं, वो उनका फूड है, डियर, फिश एंड शीप। और फूड को हम गिन सकते हैं क्या? भोजन को हम गिन सकते हैं कि मैंने आज एक खाना खाया, मैंने आज 100 खाना खाया? बिल्कुल नहीं। तो फूड मटेरियल नाउन है और इसलिए इसका एस लगाया नहीं जाता, इसलिए ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, और बाकी सबका देख लीजिए, बाकी सबका स्पीसीज, सीरीज, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो है, ध्यान रखना, एयरक्राफ्ट जो है वो अपने आप में है कि जो चीज़ें उड़ सकती हैं उसको हम एयरक्राफ्ट कहते हैं आसमान में। ठीक है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, वैकेशन होता है। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतति या बच्चे, चाइल्ड या चिल्ड्रन, समवंस चाइल्ड और समवंस चिल्ड्रन। ठीक है, और ध्यान रखना कि ये जो ऑफस्प्रिंग बोला जाता है वो ह्यूमर के लिए बोला जाता है, यानी मजाकिया अंदाज में बोला जाता है। इश्यू के दो अर्थ होते हैं, एक होता है मुद्दा और दूसरा होता है संतति या बच्चे। ठीक है, और जब बच्चे हों तो उस स्थिति में इसका प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर ही, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म बराबर होते हैं। हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं और देखते हैं आपको। तो ये क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चन, 27, 28, 29, 30। तो इस क्वेश्चंस को आप थोड़ा देखें और इसमें एरर्स निकालने की कोशिश करें। तो टेक योर टाइम प्लीज़, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को पॉज करें और देखें। तो आ जाइए, शुरू करते हैं। लालू यादव हैज़ 9 ऑफ स्प्रिंग्स, स्टिल ही फेसेस नो प्रॉब्लम प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज। यानी लालू यादव के 9 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। अब इस ज़माने में 9 बच्चे पालने कितने मुश्किल होते हैं, है ना? उनको 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 पहनाओ, उनके डाइपर चेंज करो, है ना, उनको बड़ा करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, खाना डालो, बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाओ। तो इतनी सारी चीज़ें, 9 बच्चे उसने पैदा कर रखे हैं, लेकिन बट स्टिल ही फेसेस नो प्रॉब्लम प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज़। लेकिन उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने में, उसको कोई समस्या नहीं हुई जबकि उसके 9 बच्चे थे। क्यों नहीं हुई? उसका कारण सिर्फ इतना था कि सरकारी खर्चों पे सारे पल गए, सरकारी खर्चों पे सारा पल गया, सरकारी क्वार्टर्स थे, सरकारी फूड था, सरकारी सब कुछ था, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। 9 बच्चे पाल के उसने, पैदा करके उसने पाल दिए और उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस बिल्कुल सरकार के ऊपर था, है ना। सरकारी आवास मिल गया, सरकारी खाना मिल गया, सरकारी कपड़े मिल गए, सरकारी सब कुछ मिल गया, तो उसको कोई समस्या नहीं आई। अभी आम आदमी कोई 9 बच्चे पैदा करके देख ले, तो ये मजाकिया अंदाज है, ये ह्यूमर है, ये ह्यूमर है, ये टोन है, ठीक है, ये सरकास्टिक लैंग्वेज है ये, ठीक है। और क्या है कि लालू यादव के 9 बच्चे हैं, लेकिन उसने अभी तक कोई बच्चे हैं पर उसने कभी भी कोई फेस नहीं की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं की, सारी सुविधाएं उसने दिला दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। तो इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग जो है ये यहाँ पे गलत है, एस को काटना पड़ेगा, एस को काटना पड़ेगा क्योंकि ऑफ स्प्रिंग होता है। 28 नंबर सेंटेंस, देयर आर ओनली 2 फिशेज लेफ्ट इन दिस पॉन्ड एज ऑल अदर डाइड ओइंग टू एन अननोन डिजीज। तालाब में केवल 2 ही मछलियां रह गई हैं जबकि बाकी सब
अननोन डिजीज यानी कि अज्ञात बीमारी से मर गई हैं। तो टू फिशेज, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, फिश होता है, फिशेज नहीं होता। आगे देखिए 29 नंबर सेंटेंस, द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनजीटी इज़ इन भोपाल। एनजीटी क्या है? एनजीटी एक संस्था है, एक लीगल इंस्टीट्यूशन है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये करती क्या है? ये एनवायरनमेंट से जितने भी, एनवायरनमेंट से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं या जितने भी डिस्कोर्सेज होते हैं एनवायरनमेंट से, अपने आसपास चीज़ों को से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं एनवायरनमेंट से जुड़े, खास करके एनवायरनमेंट से, क्योंकि ग्रीन है ना, तो एनवायरनमेंट से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए एनजीटी में जाती है। एक प्रकार की फास्ट ट्रैक कोर्ट है, मामले जो जल्दी सुलझाए जाते हैं। तो हेडक्वार्टर्स कहना अपने आप में बिल्कुल ठीक है, चाहे एनजीटी का हो चाहे किसी का हो, एक हो हेडक्वार्टर चाहे एक से ज़्यादा हो, हेडक्वार्टर ही होगा, हेडक्वार्टर्स होगा, हेडक्वार्टर कभी नहीं होगा, इसलिए ये अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर, एमपी में। आगे देखिए, द ऑनर शोड अस मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज इन एक्वेरियम। अब देखना, फिश मैंने कहा था, फिश जो होता है यदि फूड की तरह काम आ रहा है, यदि भोजन की तरह काम आ रहा है, तो एक या एक से ज़्यादा हो तो फिश ही रहेगा। यदि एक या एक से ज़्यादा हो रहा है तो फिश ही रहेगा, फिशेज कहना अपने आप में बिल्कुल गलत है। लेकिन यदि इसका, यदि टाइप्स की बात हो रही हो, यदि टाइप्स की बात हो रही हो, यदि टाइप्स की बात हो रही हो, तो फिर इस स्थिति में फिश का फिशेज भी बन जाएगा। बात फिर से समझ लेना, फिश यदि संख्या की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है ना, जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस था, कौन सा, यहाँ पे 28 नंबर सेंटेंस, देयर आर ओनली टू फिशेज, देयर आर ओनली टू फिशेज, यानी केवल यहाँ पे दो फिश, तो यहाँ फिशेज नहीं होगा, फिश होगा। देयर आर ओनली टू फिश, यहाँ पे केवल दो ही, इस तालाब में केवल दो ही मछलियाँ रह गई हैं। तो जब नंबर की बात होगी, एक मछली, दो मछली, तीन मछली, तो उस स्थिति में फिश का फिश ही रहेगा। लेकिन यदि टाइप की बात चल रही है, यदि टाइप प्रकार की बात चल रही है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज इन दिस पोंड, यहाँ इस तालाब में बहुत प्रकार की मछलियाँ हैं। तो जब टाइप्स की बात हो रही है तो फिशेज करेंगे, यानी कि फिश गलत है, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको फिशेज करना पड़ेगा, तभी जाके ये बात सही होगी। बात समझ में आ रही है आपके? फिश जब एक से ज़्यादा, जब नंबर की बात चल रही हो, जब फूड की बात चल रही हो, तब इस स्थिति में फिशेज कहना अपने आप में गलत है, फिश का फिश ही रहेगा, चाहे एक फिश हो चाहे दो फिश हो चाहे हज़ार फिश हो। लेकिन जब टाइप्स की बात चल रही है, जब प्रकार की बात चल रही है, जब वेराइटी की बात चल रही है, तब इस स्थिति में फिशेज कहना अपने आप में करेक्ट है, और इसीलिए यहाँ पर ये एरर था। ठीक है, तो चलते हैं आगे, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार दोबारा से, ताकि आप देख सकें इस चीज़ को। हम इस प्रकार के नाउन पढ़ रहे थे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के स्थितियों में सेम रहते हैं, चाहे सिंगुलर फॉर्म हो चाहे प्लूरल फॉर्म हो, हमेशा सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, तो आ जाइए आगे, आगे देखते हैं हम। वे नाउन्स जो सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर दिखें, जो हो दिखते जो सिंगुलर हैं, और वर्ब भी कैसे लेते हैं सिंगुलर लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, हम उस नाउन, आज वो नाउन पढ़ेंगे जो दिखते सिंगुलर हैं और वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? हेयर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, एडवाइस, ज्वेलरी एंड कटलरी, कन्फेक्शनरी, बिजनेस, वर्क, पोइट्री एंड सीनरी। ये सारे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी दिखते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। अब ये सिंगुलर क्यों दिखते हैं और वर्ब सिंगुलर क्यों लेते हैं, इसका कारण है कि या तो ये अनकाउंटेबल होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था, नाउन यदि नंबर के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो नाउन आर टू टाइप्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो या तो ये अनकाउंटेबल है, या फिर हम इनको गिन नहीं सकते, और या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी ये फीलिंग्स हैं, यानी कि या फिर इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये है, यानी हम उन नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो अनकाउंटेबल हैं या एब्स्ट्रैक्ट हैं, और जब अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट हैं तो ये सिंगुलर की तरह दिखेंगे, क्योंकि इनका प्लूरल तो बनेगा नहीं। अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट का कभी प्लूरल बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। तो ये सिंगुलर की तरह दिखते हैं और वर्ब भी कैसे लेते हैं, सिंगुलर की तरह लेते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला है हेयर। हेयर जो होता है
आपको लगेगा कि हेयर सिंगुलर, हेयर को तो गिन सकते हैं, हेयर जो है अनकाउंटेबल होता है, हेयर मटेरियल नाउन है, हेयर क्या है, मटेरियल नाउन है। आप इसको यदि डिक्शनरी में टाइप करेंगे तो इसका होता है कि द मास ऑफ थिंग्स लाइक फाइन थ्रेड्स दैट ग्रोज ऑन योर हेड, यानी कि जो आपके सिर के ऊपर जो ये जो पतले पतले जो चीज़ें उगती हैं आपकी थ्रेड्स, यानी महीन महीन जो धागे नुमा संरचना होती है, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, हेयर कह देते हैं। तो ये मटेरियल नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। इस तरह लगेज, आप जब कभी भी सफ़र में जाते हैं, जब आप जर्नी पे जाते हैं, तो आप क्या क्या लेके जाते हैं, आप लगेज होता है, जैसे आप ले जाते हैं कैरी बैग ले जाते हैं ना, बैग बैगेज और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं आप, है ना। तो जो भी जितना भी सामान आप लेके जाते हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, लगेज बोल देते हैं, ठीक है। यदि टीटी आता भी है तो पूछता है कि लगेज कितना है, लगेज कितना है, तो लगेज जो है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं कि इतने इतना केजी लगेज है। और वो एक इनकी गाइडलाइंस भी होती हैं कि एक आदमी इतना ही लगेज लेके जा सकता है, एक आदमी इतना ही लगेज लेके जा सकता है। तो लगेज जो होता है वो वेट पे डिपेंड होता है, यानी कि हम उसको वेट जो है, लगेज जो है वो कलेक्टिवली होता है, ठीक है। सब चीज़ों को मिला के हम लगेज बोल देते हैं, इसलिए ये सिंगुलर होता है अपने आप में। इस तरह से बगेज, बैगेज, बैगेज जो होता है वही होता है, लगेज और बैगेज की तरह होता है। सारी की सारी जो चीज़ें आप सफ़र में ले जाते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, बैगेज कह देते हैं या लगेज कह देते हैं। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इन्फॉर्मेशन चाहे एक इन्फॉर्मेशन हो चाहे दो इन्फॉर्मेशन हो, आप हमेशा इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे इन्फॉर्मेशन दिखती थोड़ी ना है, इन्फॉर्मेशन को हम फील कर सकते हैं क्या, नहीं फील कर सकते, है ना। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चीज़ें, इस चीज़ को आप ये समझें कि इन्फॉर्मेशन जो है इसका प्लूरल पीछे एस लगा के नहीं बनाया जाता है। निश्चित रूप से इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है, निश्चित रूप से इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है, लेकिन लेकिन पीछे एस लगा के इसके इन्फॉर्मेशन को प्लूरल नहीं बनाते हैं। इस तरह से नॉलेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, एडवाइस, ज्वेलरी एंड कटलरी, कन्फेक्शनरी, बिजनेस, वर्क, पोएट्री एंड सीनरी होता है। अब जो सोचने वाली बात यह है कि इन्फॉर्मेशन, सर हमने सुना तो है कि इन्फॉर्मेशन जो होते हैं एक से ज़्यादा भी होती हैं, इन्फॉर्मेशन जो है एक से ज़्यादा भी होती हैं, तो इनका प्लूरल तो बनना चाहिए, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन प्लूरल इस तरह से नहीं बनता, प्लूरल इस तरह से नहीं बनता। तो बनता कैसे है, जैसे इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन यदि सिंगुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लूरल है तो आप लिखते हैं आप क्या लगाते हैं उसके पीछे, पीस लगाते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, मेनी मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन नहीं लगा सकते आप डायरेक्ट, इसके पीछे एस नहीं लगा सकते, इसका प्लूरल बनाते टाइम इसके पीछे आप एस डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल अपने आप में गलत है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, मेनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप क्या बोलेंगे, मेनी पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, ना कि इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। बात बैठी समझ में आई कि नहीं आई। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है, यदि केवल इन्फॉर्मेशन आए तो ये सिंगुलर होता है, और ये वर्ब भी कैसे लेता है, सिंगुलर लेता है। नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज उसके पास ज्ञान है, तो एक ज्ञान है, दो ज्ञान है, तीन ज्ञान, ऐसा बोल सकते हो कि उसके पास तीन ज्ञान है, उसके पास पाँच ज्ञान है, नहीं, आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए ये सिंगुलर होता है। फर्नीचर, फर्नीचर आपके घर में जितने भी लकड़ी से बनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं, फर्नीचर आती हैं। कलेक्टिवली हम, कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, इसको फर्नीचर बोल देते हैं। ये अपने आप में कोई चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकें, फर्नीचर टोटल जितनी भी आपकी लकड़ी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी फर्नीचर कहलाती हैं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट सारे के सारे जितने भी उपकरण होते हैं किसी भी मशीन में लगे होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो इक्विपमेंट कहलाते हैं। इक्विपमेंट्स नहीं कहेंगे, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स कभी नहीं बनेगा, ठीक है। एक इक्विपमेंट होगा तो भी इक्विपमेंट कहेंगे, और एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे,
तो बोलेंगे मेनी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। बात समझ में आ गई? यदि इक्विपमेंट का प्लूरल बनाना है, इक्विपमेंट का प्लूरल बनाना है तो इक्विपमेंट्स नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, मेनी पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, मेनी पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, ये प्लूरल फॉर्म है इक्विपमेंट की। यदि केवल इक्विपमेंट लिखा है तो इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, और इस स्थिति में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, इस स्थिति में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। बात समझ में आ गई? यदि मैनी पीसेज, मैनी पीसेज करके लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लेना है, लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, केवल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, केवल इक्विपमेंट लिखा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। बात समझ रही, समझ में आ रही है आपके कि नहीं आ रही? स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है? स्टेशनरी जितनी भी आपकी लिखने पढ़ने की चीज़ें होती हैं, जितनी भी आपकी लिखने पढ़ने की चीज़ें होती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं, स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि मटेरियल दैट यू यूज फॉर राइटिंग सच एज पेपर पेन एंड पेंसिल, यानी कि आपके जो पेपर पेन पेंसिल जो भी चीज़ें होती हैं लिखने पढ़ने वाली, वो सारी की सारी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? स्टेशनरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलरली होती हैं, सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेती हैं। एडवाइस है, एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह है। अब आप सलाह को गिन सकते हैं क्या कि उसने मुझे एक सलाह दी, उसने मुझे तीन सलाह दी, उसने मुझे पांच सलाह दी? नहीं दी, तो एडवाइस को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो हमेशा ये सिंगुलर होंगी। फिर से वही सवाल कि सर इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करना है? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। एडवाइस को यदि बनाना है आपको प्लूरल, तो लिख देंगे मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये बन गया प्लूरल, और इस स्थिति में ये ले लेगा प्लूरल वर्ब। लेकिन केवल एडवाइस लिखा हुआ है और इसके पीछे ये नहीं लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में ये कौन सी लेगा वर्ब? सिंगुलर वर्ब लेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अभी तो हमारे हमसे केवल और केवल एडवाइस की बात हो रही है। इस तरह से ये ज्वेलरी, ज्वेलरी जो होती है वो जितनी भी सिर से लेके पांव तक की जितने भी आभूषण होते हैं उन सबको हम ज्वेलरी कह देते हैं। कटलरी, चाय कप प्लेट जितनी भी होती है, जो मेहमान आते हैं तो मम्मी जो है अलमारी को खोल के और सारी चीज़ें निकालती है ना, कप प्लेट और सब, तो उन सबको इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं? कटलरी बोल देते हैं। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी क्या होता है? यानी वे चीज़ें जो बेक करके बनाई जाती है, जिन्हें हम भट्टी में पकाते हैं, भट्टी में पका के बनाते हैं, कन्फेक्शनरी कहलाते हैं। जैसे केक है, बिस्किट है, ये सारी की सारी कन्फेक्शनरी हैं, यानी कि ये फूड आइटम्स हैं। और फूड जो होते हैं, जो खाने के सामान होते हैं, वो मटेरियल होते हैं, वो कौन से नाउन होते हैं? मटेरियल होते हैं। और मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल का कभी प्लूरल बनता है? नहीं बनता, वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर दिखते हैं। और वर्ब भी कैसी लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं, इससे पहली वाली क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो ये कन्फेक्शनरी जो है ये फूड आइटम्स हैं। इस तरह से बिजनेस, बिजनेस है, ठीक है, चाहे एक बिजनेस चाहे एक से ज़्यादा बिजनेस, बिजनेस बिजनेस ही होगा, बिजनेसेज मत कर देना। वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा, है ना। यदि वर्क का मतलब एक काम है तो वर्क लिखेंगे, यदि यदि एक से ज़्यादा है, यदि एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? पीस ऑफ वर्क लिखेंगे, है ना। मैनी पीसेस, मैनी, यदि एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? मैनी पीसेस ऑफ वर्क। यदि एक काम है तब तो वर्क लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम पीछे क्या लगा देंगे? मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है। आप जब एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? लिखते हो ना, ये लिखते हो, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, बोल लिखते हो कि नहीं लिखते हो? आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आप ऐसा क्यों नहीं लिखते? आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, आई हैव ए वर्क, आई हैव ए अर्जेंट वर्क, आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, पर ये अपने आप में बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्क को गिन नहीं सकते, कार्य को हम गिन नहीं सकते। एक का मतलब होता है एक, यानी एक कार्य, मेरे घर में एक जरूरी कार्य है, बिल्कुल नहीं। वर्क, यदि हमें वर्क को वर्क के साथ हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि कार्य को हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल है। इसलिए यदि हमें कार्य को प्लूरल बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा पीस ऑफ वर्क करके, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीस ऑफ वर्क करना पड़ेगा, एन पीस ऑफ वर्क, है ना, टू पीस ऑफ वर्क, थ्री पीस ऑफ वर्क, फोर पीस ऑफ वर्क, पांच काम है तो फाइव पीस ऑफ वर्क लिखेंगे, ना कि वर्क्स लिखेंगे, ठीक है। आई हैव टू
अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव 3 अर्जेंट पीसेज ऑफ वर्क, आई हैव 4 अर्जेंट पीसेज ऑफ वर्क। यानी पीछे एस यहाँ नहीं लगाएंगे, आप यहाँ एस लगाएंगे और यहाँ संख्या चेंज करती रहेंगे, 2, 4, 3, 4। बात समझ में आएगी कि नहीं आई? इसी तरीके से एडवाइस है, तो यदि यदि एक एडवाइस है तो लिखेंगे हम आई हैव एन पीस ऑफ एडवाइस, एन अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। और यदि दो सलाह दी गई है तो लिखेंगे कि 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, यदि 3 सलाह दी गई है तो 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, 4 पीसेज ऑफ एडवाइस। ठीक है, इसी तरीके से वर्क है, यदि एक काम है, एक काम वर्क का तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और इससे इससे इसके अलावा और देखिए आप, ये जैसे इक्विपमेंट है, यदि एक इक्विपमेंट है तो लिखेंगे अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, यदि दो है तो 2 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, यदि 3 है तो 3 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, यदि 4 औजार हैं, यदि 4 इक्विपमेंट हैं तो 4 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। इस तरह से आपको इसका प्लूरल बनाना है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन की बात है, यदि एक इन्फॉर्मेशन है तो लिखेंगे आप अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यदि 2 है तो 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यदि 3 जानकारियां सूचनाएं आपके पास है 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यदि 3 से ज़्यादा है तो आप लिखेंगे मेनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसका प्लूरल इस तरह बनता है, ना कि इसके जस्ट पीछे एस लगाने से, ठीक है। फिर इसके बाद वर्क हो गया, पोइट्री हो गई। पोइट्री अपने आप में जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स होती है, जितनी भी पोएम्स होती हैं आपकी, जितनी भी पोएम्स हैं उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, पोइट्री बोल देते हैं, ठीक है। पोएम्स मतलब होता है कविता, कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है, पोइट्री कहलाती है। सीनरी, सीनरी जो होती है ये दृश्य होता है, ठीक है, चाहे आप एक देखें, चाहे 10 देखें, चाहे 20 देखें, वो सारी की सारी सीनरी होती है, ठीक है। सीनरी में सब आ जाता है, जैसे आप पेंटिंग बनाना शुरू करें किसी चीज़ को देख के, तो उसमें आप सूरज भी बनाएंगे, चाँद भी बनाएंगे, पेड़ भी बनाएंगे, यदि आप कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पे आपको माउंटेन भी बनाने पड़ेंगे, तो एक ही चीज़ में सारी की सारी सीनरी, सीनरी में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ें आप देखते हैं। तो सीनरी जो होती है, इसलिए ये सिंगल होती है, सीनरीज नहीं होती, सीनरीज नहीं होता इसका कभी, ये होता है सीनरी। तो कुल मिला के आपको याद कर लेना है, मैंने पूरी कोशिश की ताकि आपको चीज़ें थोड़ी दिमाग में रह जाएँ, उसके लिए मैंने थोड़ा इसके पीछे पीछे की चीज़ों को बताया मैंने। बाकी आपको याद कर लेना है कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सिंगुलर हैं, और इसलिए सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी कैसी लेते हैं सिंगुलर। फिर से दोबारा मेरे साथ बोलेंगे, हेयर, लगेज, बैगेज, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, एडवाइस, ज्वेलरी, कटलरी, कन्फेक्शनरी, बिजनेस, वर्क, पोइट्री एंड सीनरी। चलते हैं आगे की तरफ। अब आपके 31st से लेकर 35th तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा देखें, और जो मैंने समझाया है उसके आधार पे आप इसमें एरर्स निकालने की कोशिश करें। तो टेक योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, वीडियो को पॉज करें और शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल द पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, ठीक है, यानी यहाँ गलती हो गई। आगे देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, आपको एरर निकालना है, एरर निकालना है। यदि सही करने की बात हो, आपको तो सिर्फ एरर निकालना है, यदि सही करने की बात हो तो आप लिखना पड़ेगा मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई आपको, चलिए आगे, आपको तो सिर्फ एरर निकालना है। 33 नंबर, आई विल बाई अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स फॉर माई न्यू होम, फर्नीचर नहीं होगा, फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर, द ज्वेलरीज, ज्वेलरी होगा, ज्वेलरीज नहीं होगा, ऑफ माई मदर इज वेरी एक्सपेंसिव, और वो भी कैसी लेगा, ये सिंगुलर लेगा। ऑल लगेजेस नहीं होगा, ऑल लगेज इज वेरी हैवी, ऑल लगेज इज वेरी हैवी, ठीक है। आगे देखिए 36 नंबर, द इक्विपमेंट्स ऑफ दिस क्लास आर न्यू, इस क्लास में जितने भी चीज़ें लगी हैं, जितने भी उपकरण लगे हैं, पंखे हों, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे टेबल्स हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, कुछ भी हो, इक्विपमेंट्स जितने भी हैं इस क्लास में सब नए हैं, सब नए हैं, तो इक्विपमेंट्स नहीं होगा, इक्विपमेंट होगा। आई हैव बॉट एन इक्विपमेंट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, आई हैव बॉट एन इक्विपमेंट फॉर
द न्यू प्रोजेक्ट। अब इक्विपमेंट जो है इसको हम गिन नहीं सकते, इसको हम गिन नहीं सकते, बात समझ में आ गई। तो जब हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते तो इसके आगे ए नहीं लगाना है। ये जितने भी चीज़ें बताई मैंने आपको ये सारी गिन नहीं सकते आप, ये तो या तो अनकाउंटेबल है, या तो इसको हम गिन नहीं सकते, या फिर ये अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है, इनको हम देख नहीं सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और या फिर ये मटेरियल है, या फिर ये क्या है, मटेरियल है, या फिर ये अनकाउंटेबल है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए हम इनको गिन नहीं सकते, हम इनको गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते तो इनको एक नहीं कह सकते, इनके आगे दो नहीं लगा सकते, इनके आगे हम ये नहीं कह सकते कि ए लगेज, अ बैगेज, एन इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक दो तीन इसको लगा नहीं सकते। दूसरी बात ये कि ए एन का इस्तेमाल इसके साथ नहीं कर सकते। तीसरा, पीछे एस या एस भी नहीं लगा सकते हम, यानी तीन चीज़ें हैं इन सब के साथ। ठीक है, तो फिर हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया आपको पीसेस ऑफ करके, पीसेस ऑफ करके बनाना है। तो देखिए, आई हैव बॉट अ पीस ऑफ, आपको लिखना पड़ेगा क्या, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, तब सही हो जाएगा। मैंने अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, नया प्रोजेक्ट जो था उसके लिए मुझे मैंने खरीदा, क्या खरीदा, एक इक्विपमेंट खरीदा, एक इक्विपमेंट खरीदा। तो उसको लिखूंगा कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, न कि एन इक्विपमेंट। ये कहना अपने आप में गलत है, इसको यहाँ एरर है, और इसको सही कैसे करना है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट करके, बात समझ में आ गई। तो ये इस प्रकार का था, फिर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आपको ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। तो ये जो चीज़ें जो हमने ये नाउन पढ़ा है, ये कैटेगरी नाउन्स की, ये कैटेगरी जो है ये या तो मटेरियल है, या फिर ये अनकाउंटेबल है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, इन तीनों में से कोई ना कोई है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम गिन नहीं सकते, यानी हम ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर हम एक दो तीन चार, वन टू थ्री फोर नहीं लगा सकते इसके आगे, या फिर एस या एस नहीं लगा सकते। जब हम इसको किसी चीज़ को गिन ही नहीं सकते तो फिर एस या एस भी नहीं लगा सकते, इसीलिए। और ये सारे जो एरर्स थे वो सारे ऐसे ही थे जो कि इस पे, इससे रिलेटेड थे। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं आपको, कि उसको आपको एक टेबल बना लेनी है। क्या बना लेनी है, इस नाउन के ख़त्म होने के बाद, जब नाउन, जब चैप्टर जो है एंड हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप, एक बना लेंगे टेबल, और आप यहाँ लिख लेंगे नाउन, आप लिख लेंगे यहाँ पे कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है कि एक तो कैटेगरी ये है कि सिंगुलर होते हैं, है ना, और ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से नाउन आएंगे वो देख लेना। या फिर जी, एक वो कैटेगरी होती है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, उस स्थिति में नाउन कौन कौन से वो देख लेना आप, बात समझ में आ गई। फिर हमने इससे पहले हमने पढ़ा कि वे नाउन होते हैं जो अभी आगे आगे जो पढ़ेंगे हम, वो ऐसा होगा कि वो प्लूरल होते हैं, वो दिखते सिंगुलर की तरह हैं, दिखते सिंगुलर की तरह हैं पर होते प्लूरल हैं, तो कौन कौन से नाउन हैं वो देख लेना। तो आप एक टेबल बना लेना, जितनी भी कैटेगरी हमने पढ़ी है नाउन से रिलेटेड, उन सबको जब नाउन ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप नाउन से रिलेटेड एक टेबल बना लेना, ताकि आपके चीज़ें आसानी में याद रहें, आसानी से आप एक ही ग्लांस में, एक ही नज़र में आप इन सब चीज़ों को देख सकें। तो आप ये टेबल बाद में बना लेना जब ये नाउन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी नाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगली क्लास में हम फिर इसको ही, इस लास्ट टॉपिक को, इस टॉपिक का लास्ट जो लेक्चर है उसको लेंगे, फिर आगे हम प्रोनाउन या फिर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच लेना होगा वो लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बी हैप्पी, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, ओके, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।